हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। सो गाइस, आज एक बार फिर से हम आ गए हैं ब्लॉग बनाने। और आज तारीख है 30 अप्रैल और अभी बजे हैं सुबह के 9। सो गाइस, करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो गाइस, अभी तो मैं नहा गया हूँ और ये देख क्या। सो गाइस, ये हर रोज हंसते हैं मेरे ऊपर कि हर रोज शुरू हो जाता है ब्लॉग बनाने। सो गाइस, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि इन्हें भी पता चले कि हमारे भी लोग फैन हैं। तो गाइस, आज पापा जी आ गए हैं तो गाय को रोटी देने शायद वही जाएंगे। अम्मा, पापा चले गए हैं गाय को रोटी देने। सो अभी पापा पूजा कर रहे हैं और गाय को रोटी देने तो वही जाएंगे। तो अब देखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आगे क्या होगा। सो गाइस, चलो चलते हैं। सो गाइस, आज बना है कद्दू की सब्जी और चपाती। सो गाइस, हमारे यहाँ से चलता है सुबह शाम को चपाती ही बनती है और दिन को चावल। ज़्यादातर जहाँ भी मैंने देखा वहीं ऐसे ही होता है, सुबह और शाम को चपाती और दिन को चावल। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ बाद में। सो गाइस, आज जो है तो आज हमारे दादा को एक्सपायर हुए, 3 मंथ हो चुके हैं। तो हिमाचल में जब कोई एक्सपायर होते तो एक साल, पूरा एक साल उनके लिए हर महीने अलग अलग सब्जियां बनाते हैं। तो आज हमारे यहाँ, सो गाइस, आज हमारे दादाजी को एक्सपायर हुए, 3 मंथ हो गए। सो हमारे हिमाचल में ऐसा है कि अगर कोई एक्सपायर हुए तो एक साल किसी ब्राह्मण को रोटी खाना खिलाते हैं। और तो आज 3रा मंथ है और आज के दिन, मतलब पहली तारीख को दादाजी एक्सपायर हुए, तो आज 3रा मंथ है। तो इसलिए आज हमारे यहाँ पर आज ये खीर बनी हुई है, हाँ मतलब बन रही है। और क्या बना है? सब्जी, आलू और अरहर की दाल जो इसमें है, और ये आलू, और इसमें तेल डाल दिया गया है, और ये दाल रखी हुई है, ये तो शायद अपने खाने के लिए होगी। और गाइस, अभी मैं सो गाइस, अभी मैं ये प्याज लहसुन को ग्राइंड कर रहा था जो मम्मी जी ने उठा लिए हैं ऊपर। तो गाइस कुछ देखो, ये हमने कटर लिया हुआ था, चॉपर लिया हुआ था, और उसमें मैंने सारे ये चॉप कर दिए हैं। अब इसको निकालेंगे, फिर टमाटर करेंगे। तो गाइस, करते हैं काम आगे का। मम्मी जी निकाल रहे हैं इसको, इसमें से गाइस इनको निकालने देते हैं, फिर इनको बाद में इसको टमाटर को चॉप करेंगे इसी में, चॉपर में। सो गाइस, यही हमारे सामने एक दुकान है जहाँ से वो अंकल आएंगे खाना खाने के लिए, जिनको हम खाना खिलाएंगे। गाइस, हम मम्मी इसको चॉपर में डाल रहे हैं, टमाटर को गिरा दिए नीचे। सो गाइस, अब हम इसको करेंगे चॉप। चलो करते हैं। गाइस, अब हमारे टमाटर भी चॉप हो चुके हैं, ये देखो गाइस। तब इनको मम्मी जी के पास देते हैं और इनको निकाल देंगे और फिर हमारा काम हुआ।
अभी जो हमने चॉप पहले लहसुन प्याज और अदरक चॉप किया था उसको मम्मी जी ने तड़के में डाल दिया है। और वो हमारी खीर बन रही है, हमारी फेवरेट। थोड़ी देर बाद अब हम मैंगो शेक भी बनाएंगे। तो गाइस कुछ है देखो, तड़का लग रहा है। सो गाइस अब ये मिर्च देगी, मिर्च डाली गई। अब ये हल्दी डाली जाएगी, नमक नहीं डालना अभी, डाल दिया उसमें, डाल दिया वो आलू पे डाल। ओके गाइस नमक पहले ही डाल दिया है। और टमाटर भी डालेंगे मसाला भूनने के बाद। ओके गाइस जो हमारा मसाला भुन जाएगा तब टमाटर डाले जाएंगे। तो इतना हो गया है, अब थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं आगे का सीन कि आगे क्या होगा। सो गाइस अब हमारा तड़का भुन चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर भी डल गए। और ये हमारा व्लॉग, कुकिंग व्लॉग के साथ बना। सो आज हमें अच्छा कंटेंट मिल गया। सो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं, मतलब आज हम बनाने वाले हैं खीर और दहरहर की दाल और ये चने की दाल, चावल और चटनी भी। हाँ अच्छा हुआ आपने याद करा दिया। सो गाइस हमारा लंच बन चुका है और जो हमने बनाया था अभी दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये अरहर की सब्जी और चटनी और चावल, और ये गाइस खीर। ये देखो गाइस, ये रही खीर और दाल भी है, पर दाल मैं खाता नहीं इसलिए मैंने नहीं ली। सो गाइस तो अब खा लेते हैं, करते हैं लंच, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय।